इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। हाय, मैं हूँ संजय। हमेशा की तरह आज फिर एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन को लाभान्वित कर सकती है, ऐसी ही आज स्टोरी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक ऐसा गांव था, बहुत बड़ा गांव। उस गांव में दो बच्चे रहते थे जिनका क्रमशः नाम था राम और श्याम। राम उम्र में बड़ा था, उम्र उसकी लगभग रही होगी 16 साल, और श्याम उससे छोटा था, उम्र उसकी लगी होगी लगभग 11 साल। तो राम और श्याम में बहुत गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती कि वो हमेशा एक ही साथ रहते थे। बहुत ही अच्छे दोनों मित्र थे। गर्मी का मौसम था, वो दोनों खेत की ओर गए, खेत घूम रहे थे, और घूमते घूमते इधर उधर खेलते वगैरह धीरे धीरे उनको बहुत प्यास लग गई। तो पास ही में एक कुआं था जिसमें पानी भरा हुआ था, और बाल्टी भी रखी हुई थी और रस्सी भी थी। दोनों ने निश्चय किया कि चलो इसी रस्सी से पानी निकालते हैं और पीते हैं। अब दोनों ने रस्सी डाली कुएं में और पानी निकाला, पानी पिए। तभी श्याम ने कहा कि राम, मैं नहाना चाहता हूँ, गर्मी चुकी थी ही। तो दोनों ने विचार किया और नहाने के लिए कपड़े उतारे और बाल्टी डाली, पानी निकाला, प्रयास किया और नहाना चालू कर दिया। हंसी खुशी दोनों मौज मस्ती से नहा रहे थे, गर्मी चुकी थी ही, गर्मी का आनंद लेते हुए पानी डाल डाल के खूब नहा रहे थे। तभी बड़ा वाला राम जो था वो कुएं में स्लिप खा करके चला गया, गिर गया, और आवाज़ नीचे से करने लगा, श्याम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब वो श्याम इतना छोटा था कि वो किस तरह से बचाता, और इतना घबरा गया श्याम, और डर भी गया कि घर जाऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, अब कैसे क्या हो गया, ये सब बातें, कई प्रकार की बातें होंगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी जल्दी करके बाल्टी और रस्सी कुएं में डाली, जिसमें राम बैठ गया। अब उसके लिए बहुत मुश्किल था श्याम के लिए कि राम को कैसे कुएं से निकाले, लेकिन वो अपने छोटे छोटे हाथों से इतना जोर लगा लगा कि किसी तरह से अंततः वो कुएं के बाहर राम को निकाल लेता है, उसका प्रयास सार्थक हो जाता है। था बहुत मुश्किल काम, लेकिन वो उस मुश्किल को भी आसान बना लिया, राम को बाहर निकाल लिया, और दोनों बहुत ही आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। इतनी अपार प्रसन्नता हुई दोनों में, उसका बयान नहीं किया जा सकता। फिर दोनों गांव की ओर गए। गांव में एक सभा चल रही थी, पंचायत चल रही थी, जिसमें प्रधान वगैरह रहते हैं, सब पंचायती सदस्य रहते हैं। तो वहीं पर जाकर के उन्होंने दोनों ने बताया कि हम, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई थी, और मैं राम गिर गए थे, श्याम ने हमें निकाला। तो सब अचंभित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्याम इतना छोटा है और राम को कुएं से निकाल लेगा, ऐसा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं पर एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति बैठा था, तो वो कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये जो दोनों बच्चे बता रहे हैं यही सत्य है, ये सत्य बता रहे हैं, ऐसा ही हुआ। इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। राम कुएं में गिर गया, श्याम घबरा गया, और उसकी ऐसी चाहत थी, उसकी ऐसी दोस्ती थी, उसकी चाहत और उसकी दोस्ती और उसका प्रयास सफलता की ओर ले गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे राम को श्याम ने निकाल लिया, तो अगर हम भी या समाज में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी युवा है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। केवल चाहत, विचार ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके माइंड मेकअप में ऐसा, ऐसी बात कोई आती है और उस पर अप्लाई करते हैं, अमल करते हैं, तो आप संभव बना सकते हैं, आप संभव कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं।
लेकिन वो विचार आपके दिलो दिमाग में आना चाहिए और उस पर दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, तभी इस ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे श्याम ने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने अगर विचार नहीं बनाया कि मुझे हाई स्कूल करना है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर पढ़ने नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, फिर एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो आप कैसे हाई स्कूल उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आपने पहले शुरू में विचार बनाया ना कि हम हाई स्कूल की डिग्री हासिल करेंगे, हाई स्कूल पढ़ेंगे या इंटर पढ़ेंगे या बीए पढ़ेंगे, आपके माइंड में आया, माइंड में मेकअप में आया, विचार आपका आया, फिर आपने अमल किया और आप उसमें दृढ़ संकल्पित रहे, परीक्षा दिए, सब कुछ किए और आप लास्ट में उस सफलता को हासिल किया। तो ऐसा विचार आना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्पित हो, तो आप हर ऐसी चीज़ कर सकते हैं। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसी चीज़ का उदाहरण आप ले लीजिए जो पूर्व में बीत चुके हैं, किसी भी प्रकार का उदाहरण ले लीजिए। तो आज यही मेरे मन मस्तिष्क में आया कि मैं आज इस स्टोरी को शेयर करूं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी, हमारे अन्य साथी, हमारे अन्य मित्र सभी लाभान्वित हों, इस स्टोरी से प्रेरित हों, कुछ प्रेरणा लें, अवेयर हों, कुछ ऐसा करें जिससे उनका जीवन यापन अच्छा हो, जीवन बदले। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।